हेलो एवरी वन गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई होप यू वेज डूइंग वेल सो आज डे थ्री ऑफ फिफ्टीन डेज वेट लॉस चैलेंज और अभी मैंने अपना वेट किया तो वो अराउंड फोर ग्राम ऑफ बढ़ा हुआ है बिकॉज़ कल मेरा था फिफ्टी थ्री पॉइंट थ्री और आज है फिफ्टी थ्री पॉइंट नाइन तो विच इज़ ओके क्योंकि कल मैंने फास्ट के बाद मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा व्रत का खाना बना हुआ था फास्ट के बाद ना मन में ऐसा एक बैठ जाता है कि हमने फास्ट किया था पूरे दिन हम भूखे थे तो बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है फिर भी मैंने कंट्रोल किया मैंने हलवा खाया आलू की सब्जी खाई और तीन पूड़ियाँ खाए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कैलोरी हो गई थी दैट्स वाई कुछ ग्राम ही बस बढ़ा है ना कि मुझे तो लगा था ऐसा मेरे माइंड में था कि एक आध किलो ना बढ़ जाए लाइक फिफ्टी फोर प्लस ना हो जाए बट इट्स ओके okay, इतना चलता है कुछ ग्राम बढ़ा है तो जैसा कि कल मैंने अपने वीडियो में बोला था कि आज से मैं प्रॉपर डाइट स्टार्ट कर रही हूँ नो फास्ट नो एक्स्ट्रा फूड एंड ऑल जो भी था विदाउट वर्कआउट तो अभी मैं करूँगी अभी टाइम हो रहा है एट फोर्टी सॉरी एट ट्वेंटी फाइव और अभी हमें करना है वन आर डंबल वर्कआउट और उसके बाद मैं क्या करूँगी पूरे दिन में मैं आप लोगों को दिखाऊँगी एंड वर्कआउट करने से पहले मैंने लिया है ए सी भी वाटर जो कि होता है एप्पल साइडर विनेगर वार्म वाटर में लिया जो आप पी सको ठीक है तो आज से प्रॉपर डाइट स्टार्ट हो रहा है और एंड तक वीडियो देखना बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी दिखाऊँगी और डाइट को कैसे करते हैं एवरी थिंग में इसमें आपको किया करूँगी या ओके okay, तो अभी मैंने वन आर नहीं फोर्टी फाइव मिनट स्ट्रेंथ वर्कआउट किया विच इज़ डंबल वर्कआउट और काफ़ी टाइम बाद किया अराउंड फाइव टू सिक्स डेज के बाद ही किया हाँ तो बहुत ज़्यादा स्वेट हुई है और आज उतनी गर्मी नहीं थी बट यू कैन सी अभी भी पसीने आ रहे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ और अच्छा वर्कआउट हुआ लाइक बहुत ज़्यादा मैंने स्वेट भी किया और काफ़ी अच्छे से वो भी गया तो अभी जैसा कि आपने वर्कआउट किया है बहुत ज्यादा स्वेटिंग हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इंस्टेंट एक ग्लास पानी पी लेना चाहिए लाइक इतना ग्लास आज दसवीं है और नवरात्रि भी ख़त्म हो चुका है और ये जो जौ है ना ये बहुत बड़ा हो चुका है और इसे कान में लगाना होता है दसवीं के दिन और दुर्गा माँ को भी हमने हटा दिया है मतलब वो जहाँ पे थी मंदिर में उसमें ही रख दिया है थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि आज के मतलब पूरे नौ दिन हमने बहुत ज़्यादा हम तैयार हुए थे पूजा किए थे बहुत अच्छे अच्छे हमने खाने वाने भी खाए थे बिना लहसुन प्याज के और पता नहीं इसमें कैसे आग लग गया तो मम्मी फटाफट हटा रही है पता नहीं ऐसा क्यों हुआ मतलब बहुत ज़्यादा हो गया ठीक है हटाओ उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाया ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया कुछ नहीं बस कट किया है यहाँ पे मैंने एप्पल लिया है पपाया लिया है यहाँ पे आलमंडस लूँगी मैं चिया सीड्स लूँगी और यहाँ पे बस प्रोटीन पाउडर लूँगी मैं बिकॉज मैंने कल कुछ एक्स्ट्रा खा लिया था जैसा मतलब मेरे फास्ट के बाद मैंने अगले दिन बहुत ज़्यादा खा लिया था तो उसे मैं थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ आज तो यहाँ पे वन स्कूप सोए प्रोटीन लूँगी टेस्ट सच में मुझे अच्छा नहीं आता है बट फॉर द प्रोटीन मैं इसे ले लेती हूँ क्योंकि बस मुझे टेस्ट नहीं चाहिए ना प्रोटीन चाहिए तो की मेरे वो बॉडी में आ जाता है अभी टेन थर्टी हो रहा है और मुझे भूख लग गई थी तो मैंने लिया और लेकिन इसे लेने के बाद ना मेरा पेट मतलब ऐसा भर सा गया जरूरी नहीं है कि अगर आप फास्ट करते हो तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हैवी खाना लो नॉर्मल भी खा के आप कर सकते हो ठीक है तो फ्रूट्स का आया है मैंने आलमंड्स लिए हैं चिया सीड्स था उस पर और प्रोटीन पाउडर लिया इससे मेरा इनफ हो गया था ठीक है मैंने कल जैसा आपको बताया था कि आज मैं जो वीडियो डालूंगी उसमें मैं बहुत कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी तो एंड तक वीडियो देखना और यहाँ पर जो कबूतर है ना ये देखो चावल मम्मी ने रखा था वो खा रहा है अब टाइम हो गया ब्रेकफास्ट के बाद यूजअली मैं लेती हूँ मल्टी वाइट तो यहाँ पर बायोटिन और मल्टी वाइट विथ प्रोबायोटिक्स है उसे मैं ले रही हूँ एक ग्लास पानी के साथ हमेशा पानी बैठ के पीना चाहिए बिकॉज यही हेल्दी वे होता है फ्लिपकार्ट और बहुत सारे ऐप से मैंने बहुत कुछ ऑर्डर किया था जो वो एक एक करके आ रहा है बट किसी और वीडियो में जब वो पूरा आ जाएगा ना तो मैं आपको एक साथ दिखा दूँगी यहाँ पे मैं लंच बना रही हूँ लंच में मैं बना रही हूँ सबवे सैलेड ठीक है होम मेड पनीर और ये सारी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एंड वन थर्टी वन ग्राम मुझे यहाँ पे पनीर निकला था तो मुझे सिर्फ हंड्रेड ग्राम ऑफ पनीर चाहिए और अगर आपको सबवे सैलेड का फुल रेसिपी चाहिए ना तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपको आई बटन में मैंशन कर दूंगी तो उसे आप चेकआउट कर लेना यहाँ पर मैं सो नहीं कर बिकॉज एक ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया हुआ है सबवे सैलेड का रेसिपी विच इज़ वेरी हेल्दी एंड फीलिंग ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा फील करता है आपके बॉडी को मतलब भूख नहीं लगी इसे खा लोगे ना पूरा फुल हो जाएगा इसमें बहुत सारा सैलेड है और पनीर है विच इज़ वेरी 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 हेल्दी हाई प्रोटीन हाई फाइबर आपका ये लंच हो गया इसे मैं इंजॉय कर लेती हूँ ट्रस्ट में मुझे तो बहुत मज़ा आता है ये वाला लंच हमेशा मैं बनाना चाहती हूँ ठीक है और मुझे किसी ने बोला था आ, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने कि आप नॉर्मल डाइट दिखाओ तो नो मैं नॉर्मल डाइट इसलिए नहीं करती बिकॉज मैं सुबह आठ बजे सो के उठती हूँ एक्सरसाइज़ करते हुए मुझे दस बज जाते हैं और दस बजे ही तो मैं फिर उसके बाद ही तो ब्रेकफास्ट करूँगी तो साढ़े दस या ग्यारह बजे मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ तो मेरा तो यही रूटीन है तो मैं नॉर्मल डाइट नहीं कर सकती हूँ ठीक है और शाम को हमें हमेशा कहा गया है कि शाम को आप सात से आठ बजे डिनर कर लो तो मैं हमेशा वैसे नहीं करती हूँ छः बजे अपना डिनर करके ख़त्म कर देती हूँ तो इंटरमीडियट फास्टिंग ही बेस्ट है बेसिकली आप सब कोई इंटरमीडियन फास्टिंग ही करते हो कहीं ना कहीं बस आप लोगों को लगता है तो मेरा बस ये है कि मैं बाकी के टाइम पे पानी पी के रहती हूँ बस वही एक चीज़ है तो मेरे मुझे ये वे ज़्यादा पसंद है इसलिए सॉरी मैं वो डाइट फॉलो नहीं कर सकती यहाँ पे शाम का हो चुका है चार और यहाँ पे मैं ले रही हूँ ग्रीन टी ठीक है इसके बाद हम जा रहे हैं मार्केट थोड़ी सी शॉपिंग करनी है और हमें वॉक भी हो जाएगा और बहुत टाइम बाद निकल रहे हैं तो थोड़ा सा मैंने ड्रेसअप वगैरह किया है और मैंने कहा कि चलो वॉकआउट भी किया है मैंने आज मैं अपना वॉक वगैरह भी स्टार्ट कर देती हूँ आज से तो इसलिए ठीक है आपने हमने ग्रीन टी ले लिया है उसके बाद हमें जाना है वॉक पे और बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्दी हेल्दी फॉलो कर रही हूँ मैं ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं कर रही हूँ मैं फॉर दैट और अभी मैंने यहाँ पे गेट लॉक कर दिया और यहाँ पे हमें बहुत क्योर से हमारी गाय आएगी जो भी हमने रोटी बनाते तो पहला रोटी हम गाय के लिए निकाल देते और हम गाय को दे देते चलो बहुत ज़्यादा तो नहीं देते लेकिन जो भी हम दे देते दे हैं हमारा जो नियम धर्म है हम उसको फॉलो कर लेते हैं ठीक है जाना तो हमें मार्केट था ठीक है हम तो प्लान बना गया थे कि हमें कुछ सामान खरीदना है सब्जियाँ खरीदनी है बट हमें ऑटो वाले ने बोला मेला लगा हुआ है तो हमने बोला अच्छा मेला लगा हुआ है घर के पास में लगा था और आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है तो मैंने बोला कि चलो क्यों ना मेला ही चलते हैं और जैसे तैसे हमने कपड़े पहने हुए थे हम मेला आ गए हैं और यहाँ पे रावण जलने वाला है बाईलकली हम रावण को जलते हुए देखना चाहते थे तो बट हमें वो मिस हो गया बिकॉज मुझे झूला पे भी तो चढ़ना था और मैं झूला पे चली गई तीन चार झूले मैंने झूले हैं ड्रैगन वाले बड़ा वाला झूला और एक राउंड राउंड करके कुछ था चक्कर भी आया था मुझे लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया था मतलब लाइफ में उन्हें बहुत टाइम मैंने ऐसा झूला है बट तीन चार साल बाद में यहाँ पे आई थी और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रस था कुछ खाया पिया नहीं बस झूले झूले हमने और थोड़ा बहुत घूमे हैं और वापस हम घर भी आ गए थे ओके और करूँ बात मैं डाइट की तो मैं डाइट को बेसिकली इस तरीके से फॉलो करती हूँ मैंने पहले दिन फास्ट किया था दूसरे दिन मैंने खाया था तो उसमें मेरा पाँच ग्राम वेट बढ़ा था बट उसके बाद मैंने आज मैंने मैनेज किया है और बेसिकली मैं वॉकआउट करती हूँ कभी कभी वॉक कर लेती हूँ स्कीपिंग कर लेती हूँ और मैं घर का सारा काम करती हूँ फॉर देट कि मैं आपको एक बता दूँ रीज़न कि मैं घर का सारा काम भी करती हूँ और अपना ऑफिस वर्क भी मेरा घर से ही होता है तो वो एक अलग चीज़ है बट मैं घर का काम करती हूँ उससे मेरी कैलरी भी बर्न होती है और यहाँ पे मम्मी खड़ी है ठीक है तो घर का काम भी आप करोगे ना तो उससे भी आपकी कैलोरी बर्न होगी तो ध्यान रखो कि अगर आप कोई भी डाइट में होते हैं ना तो थोड़ा एक्टिव रहने का कोशिश किया करो अगर एक्टिव रहोगे तो आपका वेट लॉस फैट लॉस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इवन रेगुलर जो रूटीन होता है ना उसमें भी आपको ये फॉलो करना चाहिए सच में बहुत अच्छा एक तरीका है अपने डाइट जानने को इन्जॉय करने का ओके okay, तो यहाँ पे मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे ऐसा ड्रैगन पे जाना नहीं था लेकिन मम्मी का लाइफ में फर्स्ट टाइम था कि वो किसी आ, मेले में ऐसा बैठने वाली हूँ तो हमने बोला कि चलो यहाँ ड्रैगन पे ही बैठ जाते हैं और मैंने मम्मी को ज़बरदस्ती बिठाया था इसलिए मैं हंस रही थी मैंने बोला कि चलो ठीक है और सच में बहुत ज़्यादा आज मज़ा आया था और आज का वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैं अपने लाइफ को कैसे एंजॉय करती हूं मैं वैसा बाहर ज़्यादा व्लॉग नहीं करती क्योंकि मुझे थोड़ी सी शर्म आती है बट आज सब कोई अपना फ़ोन निकाल निकाल के वीडियो शूट कर रहे फोटोज़ ले रहे थे तो मैंने बोला चलो अच्छा मौका है वीडियोज़ बना लेते हैं तो इस तरीके से होता है बट कोई ना मेरा जो रेगुलर रूटीन है मैं आप लोगों को हमेशा ट्राई करूँ कि अगर मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाऊँ और यहाँ से कोई ऊपर से ना कुछ कागज़ वागज़ ना फाड़ के फेंक रहा था मैंने बोला वाह बहुत अच्छा है और यहाँ पे इतना ज़्यादा रस्ता इतना बड़ा मेला लगा था ना मैंने कहा कि चलो कोई नहीं और यहाँ पे मैं गई थी ना इस वाले में और इसमें इस इसमें से मुझे वोमिटिंग होने वाली थी बहुत ज़्यादा चक्कर भी आ रहा था बट मैंने कहा सबसे ज़्यादा मुझे ना किक इसी वाले में मिला था बहुत ज़्यादा मजा आया था इस वाले झूले में और मैं फ़ोन लेके नहीं गई क्योंकि फ़ोन गिर भी सकता था वो बिल्कुल उल्टा सा घूम रहा था मैंने बोला चलो ठीक है और आज मैं यहाँ पे देख रहे हो ये रामलीला जो होता है वो भी हुआ था हमने यहाँ पर ज़्यादा नहीं देखा काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी लोग धक्के मार रहे थे तो हम चले गए थे और मैं जो अपनी डाइट को फॉलो कर रही हूँ ना इस तरीके से कर रही हूँ ठीक है और मैंने शाम को डिनर नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं आज खा लूँगी बाहर मम्मी ने बोला बाहर कुछ खा लो बट मैंने ना अपने मन को कंट्रोल किया और मैं बाहर कुछ नहीं खाई अगर मैं बाहर खा लेती तो मेरा डाइट सच में खराब हो जाता पानी का बस बोटल लिया है मैंने बिकॉज़ प्यास लग गई थी रास्ते में दस रुपये का बोतल लिया और हम पीते पीते आ गए और मम्मी ने बोला कुछ तो निशानी ले ले तो हमने ये छोटू सा लैंप लिया है मेले से और बच्चे चश्मा वगैरह भी ले रहे थे मम्मी ने मुझे नहीं लेने दिया बोला बच्ची थोड़ी हो तुम मैंने बोला चलो ठीक है अब हम जा रहे हैं घर मैं घर आ चुकी हूँ मतलब हम दोनों घर आ चुके हैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी यहाँ पे मैं पानी पीऊँगी फ्रेशन अप होंगी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और जो मेरा जो पूरा दिन होता है ना बहुत ज़्यादा बिजी होता है वीडियोज़ एडिट करने होते हैं ऑफिस का वर्क होता है घर के काम होते हैं अपना सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा हो जाता है सो अगर आप कोई भी रूटीन फॉलो करते हो ना कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हो तो इस तरीके का रूटीन को फॉलो करके देखना बिजी रहना घर के काम करना एक्टिव रहना वर्कआउट करना हेल्दी डाइट्स लेना और एटलीस्ट फिफ्टीन डेज़ तो फॉलो करके देखना बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा एंड आई होप मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा कि पूरे दिन में आपको कैसे रूटीन फॉलो करना होता है एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक से सब्सक्राइब टू माई चैनल